उपायुक्त किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव आईएएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उन्हें सरकार द्वारा लागू किए गए नए संपत्ति कर के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपायुक्त ने कहा कि लोगों को नए संपत्ति कर के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नगर पालिका सीमा के तहत निवासियों के लाभ के लिए है, क्योंकि ये नगर परिषदों को बेहतर बुनियादी ढांचे, नए पार्कों और खेल के मैदानों के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर बनाएगा और मौजूदा सुविधाओं को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर संपत्ति कर लगाने वाले भारत के अंतिम राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है और दरों को इसके पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई संपत्ति कर नहीं है। 1000 वर्ग फुट तक के आवासीय संपत्तियों और नगर पालिका सीमा के तहत धार्मिक स्थलों को संपत्ति कर से छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स जो टैक्स होता है लगभग पूरे कंट्री में हर मेजर म्यूनिसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन में लगता है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा होता है, ये प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा ना तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है, ना स्टेट या यूटी गवर्नमेंट को जाता है। ये पैसा उस म्यूनिसिपल काउंसिल या उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाता है, वहां पर वो अपने किसी भी तरह के डेवलपमेंट के काम, कूड़ा कचरा मैनेजमेंट कलेक्शन का काम इस पैसे के थ्रू कर सकते हैं। एक जो इशू बार बार आ रहा था कि ये प्रॉपर्टी टैक्स आखिर होगा कितना, तो आज ही हम लोग इस चीज को आप सबके सामने लेके आ रहे हैं। हमने अपने ईओ म्यूनिसिपल के साथ कैलकुलेट किया फॉर्मूले के बेसिस पे, क्योंकि किश्तवाड़ में जो स्टैम्प ड्यूटी रेट है वो जम्मू से अलग होगा। उसके तरह से अगर किश्तवाड़ में म्यूनिसिपल काउंसिल है तो जम्मू में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, और उसके अलावा जो हमारा एरिया रहेगा, चाहे वो कितने फ्लोर्स हैं, उन फ्लोर के अलावा वेकेंट लैंड कितना है, उन सबके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाएगा।